हेलो एवरीवन, मैं एसके सिंह, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। नीट यूजी 2023 में वैसे स्टूडेंट जो एमबीबीएस करना चाहते हैं और नीट में क्वालिफाई हो चुके हैं या फिर वो किसी भी कैटेगरी से क्वालिफाई हुए हैं, जस्ट क्वालिफाई हुए हैं, ऐसे कंडीशन में यदि आप कर्नाटका में एमबीबीएस करना चाहते हैं, कर्नाटका स्टेट से एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो क्या वहाँ पे फ़ी हो सकती है, स्कोर वाइज कट ऑफ क्या जा सकती है, एलिजिबिलिटी क्या होगी, कितने टाइप्स की यहाँ पे सीट होती है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन किस तरीके से होगा, क्या स्कोर होना चाहिए, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या करना होगा और डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आप चाहे तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को कर्नाटका में एडमिशन लेना है, महाराष्ट्र में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में मेरा 5 to 7 सेंटर है। महाराष्ट्र में मेरा सेंटर है पुणे, मुंबई और साथ में मध्य प्रदेश इंदौर, भोपाल, राजस्थान जयपुर, कर्नाटका बेंगलोर और राजस्थान जयपुर, और दिल्ली में आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं, दिल्ली में निर्माण विहार, इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल में कोलकाता। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं कर्नाटका में जो स्टूडेंट एमबीबीएस करना चाहते हैं तो उनका किस टाइप के फी हो सकते हैं, कितने स्कोर पे गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड मिल पाएगा, एलिजिबिलिटी क्या होंगे, काउंसलिंग प्रोसेस क्या हो सकती है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि कर्नाटका एक मेडिकल हब के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा स्टेट है जहां मेडिकल कॉलेज काफ़ी अच्छे हैं और साथ में क्वालिटी को भी मेंटेन करते हैं। ऐसे कंडीशन में जो स्टूडेंट एमबीबीएस कर्नाटका से करते हैं उन्हें पीजी के समय काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है क्योंकि पीजी के लिए वो डोमिसाइल स्टेट काउंट हो जाता है। ऐसे कंडीशन में आपको कर्नाटका से एमबीबीएस करना ज़्यादा ही अच्छा होता है और साथ में क्वालिटी काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पर बात करते हैं हम कर्नाटका का। सबसे पहले तो कर्नाटका में, कर्नाटका एक ओपन स्टेट है, यानी कि यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज के सीटों के लिए इंडिया के सभी स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम बात करते हैं यहाँ पे लगभग 600 to 700 सीटें होती हैं जो आउट ऑफ कर्नाटका स्टूडेंट के लिए होती है। और एक और बात करते हैं हम यहाँ पे, कर्नाटका के अंदर गवर्नमेंट कोटे की सीट होती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, इसमें सिर्फ वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे जिनका डोमिसाइल कर्नाटका का हो। रजिस्ट्रेशन आपको अगर वहाँ पे एडमिशन लेना है तो राउंड वन से ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि आप राउंड वन में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आपको सीधा मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन का फैसिलिटी मिल सकता है। कर्नाटका में टोटल हम सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा नेगोशिएशन भी चलता है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो गवर्नमेंट कोटा प्योर गवर्नमेंट सीट, ओपन कोटा जो होता है जिसको पी कोटा बोलते हैं, जिसका फी प्राइवेट कॉलेज के अंदर लगभग 10 lakh rupees है, 9 lakh समथिंग पर एनम का है। दूसरा होता है अदर कोटा। अदर कोटा का मतलब होता है इसका फी काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, काफ़ी हाई होता है। इस फी पे काफ़ी अच्छा नेगोशिएशन भी कभी कभी चलता है। NRI कोटा जस्ट लाइक आपका अदर कोटा, जो क्यू कोटा होता है उसके इक्वल फी होता है NRI कोटे के अंदर भी। तो NRI कोटे में भी काफ़ी अच्छा नेगोशिएशन होता है। जो स्टूडेंट NRI कोटे से एडमिशन लेना चाहते हैं कर्नाटका में और आपका स्कोर बहुत ही कम है, आपके पास बजट का इशू नहीं है, तो आप यहाँ पे अगर जस्ट एलिजिबल हैं, यानी कि आपका स्कोर 140, 138, 150 जैसे स्कोर आता है तो आप यहाँ पे एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं अदर कोटे और NRI कोटे के थ्रू। इसके साथ साथ हम अगर यहाँ पे बात करें कर्नाटका के अंदर जो प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो सेमी गवर्नमेंट के सीट होते हैं इसका भी फी का बहुत कम होता है, लेकिन इसके लिए सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। आउट ऑफ स्टेट के स्टूडेंट कौन कौन से हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं कौन कौन सीटों के लिए, तो पहला ओपन कोटा जिसका फी 10 lakh पर एनम है, दूसरा अदर कोटा जिसको क्यू कोटा बोलते हैं, तीसरा NRI कोटे के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र जिनका कम से कम स्कोर है उन्हें सीट मिल सकता है। वैसे बात करते हैं तो महाराष्ट्र एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए अगर देखा जाए तो स्टेट के 85% कोटे के लिए काफ़ी लो मेरिट स्टेट माना जाता है। यहाँ पर जनरल EWS OBC स्टूडेंट के लिए अगर 500, 75, 50 के बीच में अगर स्कोर आता है तो इजी वे में यहाँ पे गवर्नमेंट सीटें मिल जाती है। सेमी गवर्नमेंट इससे कम स्कोर है तो सेमी गवर्नमेंट के भी सीटें अवेलेबल हो जाती है। तो ये डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है। जिन्हें ये सीट नहीं मिल पाती है तो लास्ट में वो पी कोटे की सीट को ट्राई करते हैं या फिर अदर स्टेट में वो चले जाते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर अगर कर्नाटका में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन कौन से कॉलेजेज हैं, क्या कट ऑफ जा सकती है, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ का काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है। काउंसलिंग प्रोसीजर आपको सबसे पहले तो आपको
इसका जो वेबसाइट है वो www.kea.ke.nic.in पे जाना होगा। वहाँ पे जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे ही काउंसलिंग शेड्यूल आएगा, एक डेट आएगा कि इस डेट से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट करना है। रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात किया जाए तो जनरल स्टूडेंट के लिए 1000 रुपीज़ और OBC SC ST के लिए 500 रुपीज़ चार्ज की जाती है। यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी अमाउंट चार्ज नहीं की जाती है। तो ऐसे में आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराना अनिवार्य होता है। यहाँ पे ऑनलाइन मोड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और ऑफलाइन मोड में भी आप करा सकते हैं। यहाँ का जो रजिस्ट्रेशन होता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो मैं कर्नाटका का पूरा काउंसलिंग प्रोसीजर, एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप लोगों को चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर देंगे। रजिस्ट्रेशन जैसे ही किया, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा। जो जो स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा उन्हें लिस्ट में नाम आएगा और वही स्टूडेंट च्वाइस फिलिंग करेंगे। च्वाइस फिलिंग इन द सेंस कि आपको च्वाइस फिलिंग करना होगा, मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट के बाद सीट मैट्रिक्स आएगा, फी स्ट्रक्चर आएगा, इसके बाद आपको च्वाइस फिलिंग करना होगा और च्वाइस फिलिंग करने के बाद आपको च्वाइस लॉग करना होगा। और च्वाइस फिलिंग आपको इस तरीके से करना है, यदि आप राउंड वन में, यहाँ पे ध्यान देना है, यदि आप राउंड वन में रजिस्ट्रेशन किए और जितने कॉलेज को आपने च्वाइस किया और सेम च्वाइस आपको राउंड टू में जाने वाला है तो आपको ध्यान देना होगा कि राउंड वन का जो च्वाइस है वो बिल्कुल केयरफुली करना होगा, नहीं तो आपको राउंड टू में जो च्वाइस है वो सेम च्वाइस आपको हो सकती है। और जो राउंड वन में रजिस्ट्रेशन करेंगे और च्वाइस फिलिंग करेंगे वही स्टूडेंट राउंड टू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद जो राउंड वन राउंड टू में नहीं पार्टिसिपेट किए हैं वो चाहे तो मॉप अप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डायरेक्ट मॉप अप राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर्नाटका की तरफ से, KEA की तरफ से ओपन की जाती है। तो यहाँ पे मैंने बात किया था कि आपने च्वाइस फिलिंग किया, च्वाइस फिलिंग के बाद आपको एक मॉक अलॉटमेंट आती है। मॉक अलॉटमेंट के बाद आप चाहें तो इंटरचेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं जो आपने च्वाइस मेंटेन किया था, उसका सिक्वेंस आप चेक कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी आप चेक कर सकते हैं कि कितने रैंक तक कौन कौन से सीटें मिली है, कौन कौन से कितने स्कोर पे कौन कौन से कॉलेज मिली है, इसके अकॉर्डिंग चाहे तो आप सीक्वेंस को चेंज करेंगे। इसको चेंज करने के बाद एक बार फिर से आपको फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट ही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। इसके बाद जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ उसे चाहे तो आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं, चाहे तो आपको इसको सेकेंड ऑप्शन में जा सकते हैं, चाहे तो आप ग्रेड कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप काउंसलिंग से कंप्लीट बाहर हो सकते हैं। इसके लिए चार ऑप्शन होता है, इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। अब हम देखते हैं कि कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए जिसका फी लगभग 10 लाख है उसका क्या कट ऑफ गया था लास्ट ईयर, कितने स्कोर पर कौन कौन से सीटें मिली थी। कर्नाटका के अंदर बात किया जाए कॉलेज का तो बहुत ही ज़्यादा कॉलेज है, काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी रेपुटेटेड कॉलेज हैं। इसमें आपका सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज बेंगलोर में आता है, इसका जो कटअप होता है जस्ट गवर्नमेंट के इक्विवेलेंट ही होता है। सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज 1963 के एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है, इसका फीस 7,38,380 रुपीज़ है जो कि सबसे कम प्राइस है कर्नाटका के अंदर। और इसका अगर ओवरऑल हम बात किया जाए तो राउंड वन में जो क्लोजिंग स्कोर था 622 नीट स्कोर पे मिला था, वहीं राउंड टू में 612 नीट स्कोर पे सीट मिला था। तो आप यहाँ पे, मैंने आपको राउंड वन और राउंड टू के बताया है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा मॉप ऑफ राउंड का और स्ट्रे वैकेंसी राउंड का। तो यहाँ से आपको ध्यान देना होगा, अगर इसके इर्द गिर्द आपका अगर स्कोर आता है तो ही आप सेंट जॉन को ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कैंपेगौड़ा मेडिकल कॉलेज का, कैंपेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि बेंगलोर में, ये भी 1980 का कॉलेज है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। और यहाँ पे अगर बात की जाए टोटल पी कोटे में 30 सीटें हैं। यहाँ पे आपको पी कोटा यानी नंबर ऑफ सीट भी आपको ऐड किया हुआ है, पी कोटा में टोटल 30 सीटें हैं। फर्स्ट राउंड में जो इसका क्लोजिंग स्कोर था वो 590, आप इसमें रैंक खुद से चेक कर सकते हैं, खुद से आप रैंक चेक कर लीजिएगा। और सेकेंड राउंड में जो क्लोज हुआ है वो 587 नीट स्कोर पे। इसका जो फी है वो जस्ट लाइक मैंने बताया था कि लगभग 10 लाख रुपीज़ के समथिंग है सभी कॉलेज का। तीन ऐसे कॉलेज हैं, मतलब जितने भी कॉलेज हैं, सेंट जॉन का फी सबसे कम है 7,38,380 रुपीज़। इसके बाद तीन ऐसे कॉलेज जिसका फी काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे में आपका आता है, ऐसे में कॉलेज आता है ख्वाजा बांदे नवाज, गुलबर्गा SDM धारवाड़, आदि चुनचुनगिरी, और एक और 2020 में कॉलेज ओपन हुआ था, इसका नाम है चंद्रमा दयानंद सागर इंस्टीट्यूट मेडिकल एजुकेशन एंड, जो कि हुबली में है, रामनगरा में,
इसका जो फ़ी है इसका भी थोड़ा सा कॉस्टली है, इसका भी फ़ी हाई है। तो इसके अलावा जितने भी कॉलेज हैं उन सभी कॉलेज का फ़ी लगभग 10 लाख पर एनम है। तो हम बात करते हैं केम्पेगौड़ा का, आपने बता दिया, आप बताता हूँ मैं वैदेही मेडिकल कॉलेज का जो कि बेंगलोर में है। ये कॉलेज 2002 का है, काफ़ी अच्छा रेपुटेटेड कॉलेज है। राउंड वन में 587 पे क्लोज हुआ, तो वहीं राउंड टू में 583 पे क्लोज हुआ था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बेंगलोर में है, इसका 583 पे राउंड वन में क्लोज हुआ था, वहीं राउंड टू में 578 पे क्लोज हुआ था। मॉपअप राउंड में और पॉजिटिव जाता है, लगभग 450 तक लास्ट सीटें मिली है वहाँ पे, 440 तक लास्ट सीटें मिली है, डिपेंडिंग ऑन योर च्वाइस। अगर च्वाइस बेंगलोर में करते हैं और कोई भी कॉलेज चलता है तो कम स्कोर है, 450 है या फिर इससे ज़्यादा है, ट्राई कर सकते हैं। BGS ग्लोबल, ये भी बेंगलोर के अंदर है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। इसमें पी कोटे में 30 सीटें हैं, राउंड वन में 580 पे क्लोज हुआ था, वहीं राउंड टू में 575 पे क्लोज हुआ था, इसका भी लगभग 10 लाख रुपीज़ है। फादर मूलर मेडिकल कॉलेज, ये भी आपको मैंगलोर में है, इसमें अगर बात किया जाए फादर मूलर मेडिकल कॉलेज का, तो इसका जो राउंड वन में सीटें गई थी वो 578 पे, वही राउंड टू पे 571 पे चला गया था। इसके बाद है आपका महादेवप्पा रामपुरे मेडिकल कॉलेज जो कि कालाबुर्गी में है, ये आपका काफ़ी पुराना कॉलेज है, 1963 का कॉलेज है। इसमें जो राउंड वन में क्लोजिंग रैंक रहा था वो 577, वहीं राउंड टू में 572 पे क्लोज हुआ था। इसके बाद आता है MVJ मेडिकल कॉलेज, ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है जो कि बेंगलोर में स्थित है, 1997 का कॉलेज है। इसका जो क्लोजिंग रैंक रहा था पिछले साल राउंड वन का 571, वहीं राउंड टू में गया था 564। इसके बाद AJ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि मैंगलोर में है, AJ, इसका जो क्लोजिंग स्कोर रहा था 567 राउंड वन, राउंड टू में 551। इसके बाद आता है आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये भी बेंगलोर में है, इसका जो क्लोजिंग स्कोर रहा था 566 राउंड वन, वहीं राउंड टू में 536 पे चला गया था। इसके बाद अगला कॉलेज आता है सप्तगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बेंगलोर, इसका राउंड वन का कट ऑफ गया था 558, वहीं राउंड टू का गया था 542। इसके बाद जया जगतगुरु JJM दावणगेरे, इसका जो क्लोजिंग स्कोर रहा था वो रहा था आपका 554 राउंड वन का, और राउंड टू में 544। इसके बाद ईस्ट पॉइंट कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर बेंगलोर, इसका जो क्लोजिंग स्कोर रहा था राउंड वन में 554, वहीं राउंड टू में 524 पे क्लोज हुआ था। इसके बाद द ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बेंगलोर, इसका जो क्लोजिंग स्कोर रहा था राउंड वन में 551, वहीं राउंड टू में 524। इसके बाद श्रीनिवासा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च सेंटर मैंगलोर, इसका क्लोजिंग स्कोर था 546 राउंड वन, वहीं राउंड टू में 515। इसके बाद आता है कनाचूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर मैंगलोर, इसका जो क्लोजिंग स्कोर था 538, वहीं राउंड टू में था 496। इसके बाद अगला कॉलेज है आपका श्यामानुरु शिवशंकरप्पा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दावणगेरे, इसका राउंड वन में 536 पे सीट मिला था, वहीं राउंड टू 506 पे सीट मिला था। अगला कॉलेज है आपका श्री बसवेश्वरा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चित्रदुर्ग, इसका राउंड वन में सीट गया था 532 पे, वहीं राउंड टू में सीट मिला था 493 पे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 400 से नीचे कट ऑफ चला गया था राउंड टू में ही, मॉपअप में तो और नीचे चला गया था। ऐसे 2022 से और 2021 में ऐसा हुआ था बेंगलोर के अंदर, खासकर कर्नाटका के अंदर, नहीं तो कर्नाटका में 520 से नीचे सीट मिलता ही नहीं था, लेकिन पिछले 2 साल से यहाँ का जो कटअप है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिली है। हो सकता है इस साल भी काफ़ी अच्छा आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगला कॉलेज है नवोदया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायचूर, इसमें आपको 524 पे राउंड वन में सीट मिला था, वहीं राउंड टू में 485 पे सीट मिला था। अगला कॉलेज है आपको अल अमीन मेडिकल कॉलेज बीजापुर, माइनॉरिटी कॉलेज है, मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, इसमें राउंड वन में 519 पे सीट मिला था, वहीं राउंड टू में 487 पे मिला था। इसके बाद अगला कॉलेज है के वेंकटेश्वर रमना गोडा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसका जो अगर बात किया जाए तो राउंड वन में 518 पे मिला था, राउंड टू में 485 में मिला था। अगला कॉलेज है GR मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर मैंगलोर, इसका राउंड वन में 518 पे सीट मिला था, राउंड टू में 479 पे सीट मिला था। इसके बाद श्रीदेवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च हॉस्पिटल तुम्बुकुर,
इसका जो राउंड वन में सीट मिला था 515, राउंड टू में 484 पे मिला था। अगला कॉलेज सुभैया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, ये जो कि शिमोगा में है, ये राउंड वन में 514 में मिला था, वहीं राउंड टू में 479 पे सीट मिला था। अगला कॉलेज आपका एस नीलंजगप्पा मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर बगालकोट, ये राउंड वन में 514 पे मिला था, वहीं राउंड टू में 419 में मिला था। इसके बाद अगला कॉलेज है सीधा गनंगा मेडिकल कॉलेज जो कि टुम्बुकुर में है, इसका राउंड वन में 509 पे सीट मिला था, वहीं राउंड टू में 479 पे लास्ट सीटें मिली थी। अगला कॉलेज है जिसका सभी कॉलेज जो लास्ट के हैं इसका फ़ी काफ़ी ज़्यादा है, एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज बेंगलोर, इसका फ़ी में चेंजेस देखने को मिला है, इसका फ़ी 22,15,500 रुपीज़ हो चुकी है, ये राउंड वन में 507 पे क्लोज हुआ था, वहीं राउंड टू में 450 पे क्लोज हुआ था। काफ़ी अच्छा कॉलेज है एमएस रमैया, काफ़ी अच्छा रेपुटेटेड कॉलेज है। इसके बाद ख्वाजा बांदे नवाज मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा, ये भी आपको बात किया जाए तो इसमें भी फ़ी काफ़ी ज़्यादा है, 16,30,465 पर ईयर का फ़ी है, राउंड वन में 451 पे क्लोज हुआ था, वहीं राउंड टू में 414 पे क्लोज हुआ था। इसके बाद एसडीएम कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल धारवाड़, ये राउंड वन में जो क्लोज हुआ था 434 पे और राउंड टू में 396 पे क्लोज हुआ था, इसका भी फी काफ़ी ज़्यादा है, 18,75,000 समथिंग इसका पर ईयर है। इसके बाद अगला कॉलेज है आदि चुनचुन गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बेलूर जो कि मांड्या डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद लास्ट कॉलेज है आपका डॉक्टर चंद्रमा दयानंद सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसका जो फी है वो 20,15,500, राउंड वन में 404 पे क्लोज हुआ था, वहीं राउंड टू में 339 पे क्लोज हुआ था। तो ये रहा आपका पी कोटे के सीट का, लेकिन अगर आप इस कोटे में सीट नहीं मिल पाता है, 10 लाख पर एनम का सीट नहीं मिल पाता है, स्कोर बहुत ही कम है, तो आप एनआरआई या मैनेजमेंट कोटे के सीट ले सकते हैं। अदर कोटे के आप चाहते हैं एडमिशन लेना कर्नाटका के अंदर, तो चाहे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा टीम आपको एक वन बाय वन आपको काउंसलिंग सपोर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे आपको कहीं अगर नेगोशिएशन चल रहा है तो नेगोशिएटेड पैकेज पे आपको कॉलेज से बात करने का भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। जी हाँ दोस्तों, बाकी अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।